नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में जैसे ही चुनाव होता है उससे पहले नोटों के बोरे, नोटों से भरे बैगों की जब्ती होती है। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम अलग अलग इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग करती है जिसमें भारी मात्रा में कैश बरामद होता है। हर बार की तरह इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन इस बार अब तक इतना कैश बरामद हो चुका है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इतना कैश मिला है कि पिछले 75 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक जब 2024 के आम चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में आयोग देश में लोकसभा चुनाव के 75 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक जब्ती करने की राह पर है। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग ने अब तक कितना कैश बरामद किया है, कितना कैश सीज किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस साल अब तक कुल 4,650 करोड़ की रकम की जब्ती कर ली है। अगर 2019 के आम चुनावों से तुलना की जाए तो ये रकम करीब 3,475 करोड़ रुपए ज्यादा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त कर रहे हैं। प्रवर्तन अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही अब तक करीब 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुके हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में की गई कुल जब्ती से काफी अधिक है। आयोग ने बताया कि इसमें 395.95 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ है और 489.31 करोड़ रुपए की शराब, 2,068.58 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 562.10 करोड़ की गोल्ड और 1,142.49 करोड़ की कीमत का अन्य सामान जब्त किया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये रकम कितनी ज्यादा है और चुनावों में ड्रग्स तक जो है बांटी जाती है। जो देश नशे से बाहर निकलना चाहता है, जिस देश के नेता लगातार नशे के विरोध में न जाने तमाम मंचों से कितने ही लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वहां पर ड्रग्स, शराब और तमाम ऐसे मादक पदार्थ जो है बांटे जाते हैं चुनाव में उनका वोट पाने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए। तो सोचिए कि जब ऐसी चीजें आपको बांटी जा रही है तो फिर वो प्रत्याशी, वो कैंडिडेट आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए आखिर क्या काम करेगा, क्योंकि उसको तो अपना काम निकालना है। आपको बता दें कि चुनाव में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग अलग अलग जांच एजेंसियों की मदद ले रहा है। कैश और ज्वेलरी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्य पुलिस, RBI, SLBC, AAI, BCAS और इसके अलावा ED और CISF की भी मदद दी जा रही है। चुनाव में जो शराब बढ़ती है उसके लिए स्टेट पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ साथ RPF की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा SSB, असम राइफल्स, ITBP, CRPF और वन विभाग की भी मदद ली जा रही है। और इन्हीं सब कारणों से इन्हीं इतनी भारी संख्या में अब तक कैश और अन्य बांटी जाने वाली वस्तुओं की जब्ती की गई है। इस साल चुनाव आयोग इलेक्शन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ज्यादा मुस्तैद है और यही कारण है कि हजारों करोड़ों की जब्ती की जा चुकी है, जो आगे भी लगातार जारी है, क्योंकि 19 अप्रैल को से तो मतदान शुरू होना है, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। और इतने दिनों में जैसे कि चुनाव आयोग ने बताया कि वो 100 करोड़ रुपए लगभग हर रोज पूरे देश भर से जब्त कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और वीके न्यूज भी आपसे ये उम्मीद करता है, आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता है कि किसी भी प्रकार से अपना वोट जो है इस शराब के लिए, चंद हजार रुपयों के लिए या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो कि आपको उस समय तो फायदा दे सकती है लेकिन आने वाले आपके 5 सालों का भविष्य, इस देश के 5 सालों का भविष्य खराब कर दे, इसलिए अपना वोट गुप्त दान करें और जो प्रत्याशी आपको पसंद है उसी को वोट करें। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।